आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। रेवाड़ी महिला पुलिस का कारनामा, क्या असंवेदनशील है रेवाड़ी की महिला पुलिस? नाबालिग पीड़िता को घुमाती रही एक थाने से दूसरे थाने। जी हाँ, रेवाड़ी महिला पुलिस महिलाओं के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। रेवाड़ी महिला पुलिस अक्सर सुर्खियों में रहती है। महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता से इनका शायद दूर दूर तक नाता नहीं। इधर से उधर पीड़िता को घुमाकर समझौते का दबाव डालने के बाद तब जाकर कहीं मामला दर्ज किया जाता है। नया मामला रेवाड़ी के एक गांव में देखने के लिए मिला, जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। पीड़ित परिजन नाबालिग को लेकर पहले तो नाहर चौकी पहुंचे, उसके बाद उन्हें टरका के कोसली थाने में भेजा गया। कोसली थाने से भी उनको रेवाड़ी महिला थाने में भेज दिया गया। ये पीड़ित परिवार ऐसे ही थानों के चक्कर काटता रहा, लेकिन कहीं पर भी उनकी सुनवाई नहीं की गई। परिजनों का आरोप है कि उस थाने में भी उनको देर रात तक बैठाया गया। यही नहीं, नाबालिग बच्ची के साथ भी बदसलूकी की गई। आके मैंने देखा तो ये लड़का लड़की के ऊपर पड़ा हुआ, मेरे को देख के और मेरे को धक्का दे करके एकदम घर से बाहर निकला। मैंने आवाज़ दी, पड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे हुए। फिर मैं नाहर चौकी के अंदर गया। नाहर चौकी वालों ने हमारी वो कोई सुनाई नहीं की। नाहर वाले ने कहा कि कोसली जाओ। कोसली हम गए। कोसली जो पूनम मैम है उसने बोला कि भाई ये नाबालिग है, मैं इसका केस दर्ज नहीं कर सकती। रात को 9 बजे हम रेवाड़ी गए हैं। 11:30-12 बजे के लगभग हमारी FIR दर्ज हुई है। और दूसरे दिन फिर मजिस्ट्रेट के बयान हुए, हमें फिर बुलाया गया। पुलिस तो आज तक भी नहीं था। हाँ, हम ही रेवाड़ी जाते हैं। जब पुलिस बुलाती है आपको? हाँ, हम ही रेवाड़ी गए हैं। पुलिस आज तक भी नहीं आई है। जैसे ही आई तो कल परसों आई थी, हमारी गाड़ी के अंदर बैठ के आई। वो गाड़ी का किराया भी मैंने दिया है। 5:30 बजे वो वहाँ पे आई, फिर उसने बयान लिया हमारी लड़की का अकेले में ले जाके ने, और उसने लिखा। उसके बाद उसने ये कहा कि 1 घंटा आप बैठो, मैं आपका मामला दर्ज करूँगी। और 1 घंटे के बाद उसने जवाब दिया कि मैं ये मामला दर्ज नहीं कर सकती, आप रिवाड़ी जाओ महिला मंडल में, वहाँ आपका मामला दर्ज होगा कि आपकी बच्ची नाबालिग है। हम वहाँ पे गए तो उनने मामला दर्ज तो किया, लेकिन हमारी बच्ची को एक साइड में ले जाके ने उसने डराया भी से और धमकाया भी से और गाल भी खींची है। उसके बाद हमारी बच्ची डर गई, कुछ बोल नहीं गई। अब ये पूरा मामला मीडिया में आया, जिसके बाद पुलिस ने कुछ तत्परता दिखाई और आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा। हमारे पास गांव का ही लड़का था, उस लड़की के फादर ने शिकायत दी थी। गांव का ही लड़का हमारे जो है अंदर घुस गया था। जैसे ही मैं आया हूँ तो वो जो है बेड पर लेटा हुआ था लड़की के पास। अब उसमें क्या मामला दर्ज किया? उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया, आरोपी अरेस्ट कर लिया और जेल में भेज दिया, पेश कर दिया अदालत। ये कोई पहला मामला नहीं है जब पुलिस पीड़ित महिलाओं को इधर से उधर दर्जनों चक्कर कटवा दे। ऐसे मामलों को लेकर पहले भी रेवाड़ी महिला पुलिस सुर्खियों में रह चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि अब महिला पुलिस इस नाबालिग पीड़िता को कितना जल्द इंसाफ दिलवा पाती है। सत्य खबर के लिए रेवाड़ी से संजय कौशिक की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।